विधानसभा में हंगामा के बाद सदन से बाहर निकले बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सदन अभी शुरू हुई थी, इस दौरान भाजपा के तमाम विधायक सदन के विल में चली आए और प्रदर्शन करने लगे। उनका यह आचरण कहीं से उचित नहीं है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं और सहायिकाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, उस पर उन्होंने कहा कि सबके लिए कानून है और कानून के तहत उन पर कार्रवाई हुई होगी। इस तरह उन्होंने पत्रकारों के सवालों से किनारा करते नजर आए। द्वारा आज सदन में जिस तरह का आचरण, जिस तरह का व्यवहार किया गया है, जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, वे इस तरह के कृत करते हैं। आज सदन शुरू हुआ है और विपक्ष के सभी माननीय विधायक बेल में हैं, जबकि आसन से निर्देश हुआ था कि नेता विरोधी दल को बोलने के लिए समय दिया जाएगा, फिर भी आज बेल में आकर के सदन का समय बर्बाद किया और अल्पसूचित प्रश्नों को बाधित किया और तारांकित प्रश्न को भी बाधित किया। तो सदन तो चलता है नियम से, नियमावली से, और सदन चलता है कानून से। न इनको नियमावली से मतलब है, न इनको कानून से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को मनवाने से मतलब है। तो सदन इस तरह से नहीं चलता है। और आज का जो उनका आचरण है, व्यवहार है, पूरे देश, पूरे बिहार की जनता देख रही है कि ये सवालों का हल नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात को सदन में उठाना चाहते हैं। महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर क्या कहेंगे? नहीं, कानून है, सबके लिए कानून है। अगर हम मंत्री हैं, मेरे लिए भी कानून है, आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, उनके लिए भी कानून है, और जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए भी कानून है। कानून का अगर कोई उल्लंघन करेंगे तो जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है, और मैं समझता हूँ कि इससे कार्रवाई हुई होगी। अरे भाई, सदन में तो वो कृत्य कर रहे हैं, अब तो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे बिहार और पूरे देश की जनता ने देखा होगा कि किस तरह से कुर्सियों को उठा रहे हैं, किस तरह से मेज को पटक रहे हैं, किस तरह से कागज फाड़ करके फेंक रहे हैं। तो इस तरह का जो कृत्य है वो बिल्कुल, जिनको संसदीय व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा नहीं है, वही लोग इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार के ज्वलंत सवालों को भी नहीं उठाते हैं, बिहार के समस्या का हल भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। तो उनके एजेंडे से सरकार नहीं चलती है, सरकार नियम और कानून से चलती है। धन्यवाद।